गर्मियों में आपकी जिल्द झुलस चुकी है, आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए हैं, तो परेशान ना हो, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ। आज की रेमेडी यूज़ करने के बाद आपके चेहरे से छाइयां, दाने, दाग धब्बे एकदम ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका कलर डल है तो इस रेमेडी के बाद आपका कलर फेयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। बस ईद के कामों में इतना मसरूफ थी कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब रेगुलर वीडियो आया करेगी आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले हम यहाँ एक मीडियम साइज का आलू लेंगे, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम पील कर लेंगे, ठीक है। आज की रेमेडी बहुत ही कमाल की है, इसके रिजल्ट आपको आपकी स्किन पर 110% मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू को हमने अच्छी तरह से छील लिया है। अब एक बारीक ग्रेटर लेंगे, इसे हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आलू के पानी में कुदरत ने बेशुमार फायदे रखे हैं हमारी स्किन के लिए। बिलीव में आज की रेमेडी बहुत ही अच्छी है, इससे आपके चेहरे की छाइयां, दाग धब्बे, इवन इससे कलर भी फेयर हो जाएगा आपका। सिर्फ किचन में रखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके हम पॉलर के फेशियल जैसा रिजल्ट लेकर आएंगे। जब तक आलू ग्रेट हो रहा है, इतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप सबके साथ साथ उन सबका भी फायदा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक साफ सुथरी सी प्याली लेंगे, इस पर रखेंगे स्टेनर और स्टेनर के ऊपर ग्रेट किया हुआ आलू रख देंगे और आलू को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथ से हम प्रेस करेंगे और आलू का सारा पानी निकाल लेंगे। आज की रेमेडी बहुत ही कमाल की है, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, 100% वर्क करेगी हमारी स्किन पर, बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने आलू के पानी को छान लिया है, ये आलू का पानी हमारी जिल्द पर जादुई वर्क करेगा। अब इस फेस पैक को बनाने के लिए हम जो अगली चीज यूज करेंगे वो है खीरा। एक अदद फ्रेश खीरा ले लीजिएगा, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, बीच में से हाफ कर लीजिएगा, ठीक है। गर्मियों में हमारी मुरझाई हुई स्किन को एकदम फ्रेश बनाने के लिए खीरा हमारी स्किन पर मैजिकल वर्क करेगा। खीरे का पानी हमारी जिल्द को एकदम शफाफ बना देगा। जिस तरह से हमने आलू को ग्रेट किया था, इसी तरह से हम खीरे को भी ग्रेट कर लेंगे। आलू का पानी और खीरे का पानी हमारी जिल्द पर मैजिकल वर्क करेगा, हमारे ओपन पोर्स को एकदम बंद कर देगा। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है तो आज की रेमेडी यूज करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। आज का फेस पैक बहुत ही कमाल का होगा, इस फेस पैक को आप बनाकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपके चेहरे की रंगत एकदम साफ सुथरी हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी। हाफ खीरे को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, आप देख सकते हैं खीरे को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं, पर मुझे इस तरह से करना ज्यादा इजी लगता है। अब जिस प्याली में हमने आलू का जूस निकाला है, इसी प्याली पर हम स्टेनर रखेंगे और इसमें खीरे का जूस भी छान लेंगे। खीरे का सारा गूदा हम छन्नी में डालकर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और खीरे का जूस अच्छी तरह से छान लेंगे, ठीक है। ये देखिए प्यारी बहनों, हमने खीरे और पोटैटो को जूस को अच्छी तरह से छान लिया है, दोनों फ्रेश जूस है हमारे पास। आलू और खीरे के पानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो यूज़ करेंगे वो है गंदम का आटा। 1 टेबल स्पून इसमें हम गंदम का आटा डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी हम इसमें डाल देंगे। कस्तूरी हल्दी से कलर एकदम निखर जाता है। आपने देखा होगा कि दुल्हनों के उपटन में हल्दी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि दुल्हन का कलर तेजी से निखर जाए, इसीलिए हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अरके गुलाब, ठीक है। अरके गुलाब के साथ ही हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन का यूज कीजिएगा आप अपनी स्किन के लिए। 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। बेसन हमारी जिल्द से मेल कुचेल, गंदगी, चिकनाई को एकदम खत्म कर देगा, हमारे चेहरे को एकदम साफ सुथरा, शफाफ बना देगा। गंदम का आटा जो है वो हमारे चेहरे की रंगत को निखारने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आज का जो फेस पैक बनेगा ना, वो बहुत ही कमाल का बनेगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पर
से छाइया, दाने, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरह से करनी है ताकि इसके अंदर से लम्स खत्म हो जाए और हमारे पास अच्छा सा फेस पैक तैयार हो जाए, क्योंकि ये फेस पैक बिना केमिकल के हमने तैयार किया है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये भी आप देख लीजिए। अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे और हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। दोस्तों ब्रश की मदद से हम अप्लाई करेंगे। आप अपने फेस पर, गर्दन पर, हाथ पर ब्रश की मदद से इस तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम ब्रश से अप्लाई करेंगे। अगर आपको अचानक किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना पड़ जाए तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके रिजल्ट देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे आपको। प्यारी बहनों, इस फेस पैक की आपको थिक लेयर अप्लाई करनी है अपने चेहरे पर, गर्दन पर और हाथ पर, ठीक है। अब इसे अप्लाई करने के बाद 2 मिनट के लिए स्लोली स्लोली हम फिंगर से इसका मसाज करेंगे ताकि हमारे चेहरे की डेड लेयर उतर जाए, साफ हो जाए। फेस पैक लगाने के बाद मसाज करने से हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे हमारे चेहरे पर और भी ग्लो आ जाएगा। बस 2 मिनट तक स्लोली मसाज करना है, देन हमें फिर से मास्क को अप्लाई करना है हमारे चेहरे पर। ये देखिए प्यारी बहनों, हमने एक कोट और लगा लिया है मास्क का। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद ये ड्राई हो चुका है। मास्क ड्राई होने के बाद आप अपने फेस को डायरेक्ट वॉश नहीं कीजिएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने हाथ पर पानी लगाकर हल्का सा मसाज कर रही हूँ। इसी तरह से आप अपने चेहरे पर भी हल्का सा पानी लगाकर मसाज कर लीजिएगा। 5 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा, फिर स्पंज की मदद से आप इसे साफ कर लीजिएगा। ये देखिए जी, कितने कमाल के रिजल्ट आए हैं पहली ही बार इस्तेमाल से। तो भाई प्यारी बहनों, ये लाइव रिजल्ट है आपके सामने। रिजल्ट देख के तो मैं खुद भी हैरान हो चुकी हूँ। मेरे हाथ की जो रंगत है एकदम निखर चुकी है, स्किन एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए प्यारी बहनों, मैंने हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसे ड्राई कर लिया है, रिजल्ट आपके सामने है। कितने हैरत अंगेज रिजल्ट मिले हैं मुझे। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार लाजमी कीजिएगा। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की छाइया, दाने, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे की सांवली रंगत एकदम साफ हो जाएगी। इतनी अच्छी रेमेडी के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब अपनी प्यारी बहन को दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।